चीज जिसको मैं एक टाइम से ढूंढ रहा था, जो कि पहले बनी मालिक में थी, लेकिन ये मजेदार से कबाब हम जा रहे हैं तेल के बीच में। अभी हम लोग रात तो आज हम लेने आए हैं वो चीज़ जिसको मैं एक टाइम से ढूंढ रहा था, जो कि पहले बनी मालिक में थी लेकिन अब वो वहाँ से टूट गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जो कि है चपली कबाब, और ये है मकाम कबाब। और इसको आज हम लेने आए हैं, टाइम बुक की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आज बाबा के पास टिकटॉक की वीडियो है, तो 4 मिनट की सर्च किया, बहुत पूछ पूछ के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो चल के आप लोग अंदर चपली कबाब बनते भी दिखाते हैं, इसके रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह और बताएंगे वैसा टेस्ट है कि नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूं शिवम खान और आप लोग का बहुत खूबसूरत फूड ब्लॉग में खुशा। लोकेशन आपको इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पर इसका नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग इससे रब्ता कर लीजिएगा। उसके अलावा लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज़रूर आइएगा। यहाँ पर मज़ेदार से कबाब की थाली आ चुकी है। अंकल ने पास अपने मसाला जात रखनी है, जिसमें हैं सूखा धनिया है और हरी मिर्चें हैं और चिली फ्लेक्स हैं, और बड़े मज़ेदार से मंजन रेडी हो रहा है। मुझे तो अलबत्त बहुत मज़ा आ रहा है माशा दुआ तब्लक को देखते हुए भी। और मैं यहाँ पर स्पेशली रात के, क्योंकि मैंने आप लोग पहले बताया 12 बजे हैं, और हम लोग स्पेशली इसको ढूंढ कर ढूंढते आए हैं, क्योंकि मैंने और बाबा ने हम लोगों ने डिसाइड किया था क्या जी हासिला खाने में चपली कबाब ही खाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह सही तरह मटेरियल रेडी हो रहा है, हरी मिर्च ऊपर से डाल दी इन्होंने, मसाला जार डाल दिए तकरीबन, और अब रेडी हो रहा है मज़ेदार से चपली कबाब का मटीरियल। उसके बाद अब इसको छाते फ्राई करेंगे, और अब उसके बाद अंकल इसके ऊपर पानी लगा दिया है, और पानी लगाने के बाद वापसी से एक बार मिक्स कर दिया है। आई उठ के आ जाए फिर सही कमान निकले। अब यहाँ पर अंकल ने इसके बॉल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ ऐसे बस उठाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, और ये लग वैसे कोफ्ते नहीं हैं, लेकिन ये कोफ्ते हैं नहीं, इसको अंकल ने तवे पर रखे हैं फ्लैट के रखे, फिर उसके बाद उसको तेल पर ट्रांसफर करेंगे। आगे आगे आप लोग ये भी देखिएगा, ये देखिए ये अंकल ने ऐसे करके रखा फ्लैट किया, और ये नान की तरह बीच में होल की, और ये के अंदर थी, और अब ये फ्राई देखिए मतलब अगर अच्छे तेल के अंदर कबाब घुमा के लेके आके उसका पतला करके उसका उसको दिन खाते। ये मज़ेदार से कबाब हम जा रहे हैं तेल के बीच में। अभी हम लोग रात के 12 बजे यहाँ पर खड़े हुए हैं, सुबह से माशाल्लाह कलर अलग लग के ज़रा ऑयल का कलर इस तरह हुआ। ये इनके बेटे जिनके जो इनके वालिद साहब थे ना, पहले हम उनकी शॉप से खाते थे, वो तक अब बनी मालिक बनी मालिक की शायद सबसे बड़ा शॉप है। अच्छा, आपकी शॉप का टाइम कितना हो गया? हम उनको 2 साल से बनी मालिक में खा रहे थे। माशाल्लाह टोटल आपकी 14 साल हो गए? माशाल्लाह मैं 14 साल हो गए, और ये इनके बेटे हैं, इससे पहले इनके फादर थे और वो अभी गए हैं पाकिस्तान। आपकी पाकिस्तान में ब्रांड मान तेरा रोड मुझे नहीं पता होता, खैर वहाँ पर इनकी ब्रांच है, अभी इनके फादर वहाँ पर गए हैं और ये यहाँ पर है जूनी के बेटे हैं। माशा अल्लाह लगातार दिन में कितने चपली कबाब चले जाते हैं? माशा अल्लाह सुबह से लग लग के, अब हम रात के 12 बजे इनके पास स्पेशली लोकेशन ढूंढ ढूंढ के आए हैं। माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ज़्यादा मशहूर चपली कबाब है इनके, और इनका टेस्ट बहुत लजीज होता है। अक्सर मैं बाबा को कहता हूँ मैं चपली कबाब खाने, लेकिन पता नहीं था ना यहाँ पर शॉप में कि ये जायका नहीं मुझे लगता था। अब यहाँ पर टमाटर फ्राई होने डालते हैं, टमाटर फ्राई क्यों किए?
हरी मिर्च डालने के बाद इन्हें क्या पीछे हो जाए तो हरी मिर्च से थोड़ा थोड़ा ये दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं। ढूंढा बाबा ने इसको और ताइबो खिलाने के लिए क्योंकि ये नहीं नहीं अभी अभी रिसेंटली हाँ ये इंट्रोड्यूस ताइबो ने करवाए हैं। और ये कितने पुराने हैं, हम लोग कब से खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं हम लोग? मेरे वाले साहब पाकिस्तान जाने के लिए गेटे चला रहे हैं बड़ी मालक के बाद। फिर मैं अभी 6 साल बाद जब मुझे सो गया हूँ दोबारा, तो फिर अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे छोटे भाई को, उसने कहा था तो मैंने आपको वो एक बात की जो वीडियो आई थी टिकटॉक पर, मैंने निकाल के रखी वो मान निकल गई। इसमें छोटे कहता आया तो स्पेशल इसने वो वीडियो दी, फिर वीडियो का जरिए मिले वही टेस्ट है। मुझे भी चेक करें, मुझे भी चेक करें वही टेस्ट। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इंशाअल्लाह वापस जरूर आएंगे। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने कबाब के साथ। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं जिद्दा हाईवे पंप पे और यहाँ पर हमारे कबाब आ चुके हैं। निवाला मैंने तोड़ लिया है कबाब, जिसके ऊपर लेमन हम लोगों ने निचोड़ा हुआ है। और यहाँ से थोड़े से टमाटर लेते हैं और साथ में आई है इसकी चटनी, जो कि बेसिकली मेरे ख्याल में दगूस बनी हुई है, जो टमाटर वाली चटनी होती है अरब्स की। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार मज़ेदार, बिल्कुल नरम और जूसी कबाब है और ज़ायका बिल्कुल वही है इसका, बहुत मज़े के हैं। साथ में फ्राई हरी मिर्च मिलता है। रोज़ खाना खाने के बाद क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा मुझसे भी और कैमरा मैन से भी। ये देखिए ये जूस भी ये। मज़ेदार मज़ेदार। एक और बात, अलबेग के सामने बैठ के हमने खाए हैं चपली कबाब। नाराज ना हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस, एक बार से कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में दुआओं में आ चुके हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तानी स्टेइंग अब सऊदी अरब।